नमस्कार, मी शेष नारायण. उडीसाच्या ग्रामीण भागात फिरत असताना मला अचानक एक सुंदर असं आर्टचं दुकान दिसले. त्याच्यात मी सहज माहिती घ्यायला आलो असता मला येथील निरंजन नायक सरांनी त्यांनी केलेल्या अद्भुत कला दाखवल्या. त्या आज आपण कलेची थोडीशी माहिती घेऊया. सर, थोडं जानकारी देंगे इस सबके बारे में? कोकोनट के ऊपर बनाया जाता है, कोकोनट के ऊपर बनाया जाता है. कोकोनट में जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का पेंटिंग है. और ये स्टोन कलर करके उसके ऊपर लैकर फिनिशिंग दिया जाता है. और ये हमारा पेपर मैशे है, पेपर के ऊपर बनाया जाता है ये सब. और ये जो डिजाइन है ये पाम लीफ में लैम्पशेड है, पाम लीफ और कपड़े का मिक्सर है, लैम्पशेड है. इसके अलावा ये कोकोनट सेल का है. इसके नीचे ये जो है ये पटचित्र है. पटचित्र मतलब कॉटन कैनवास पेंटिंग. ये जो मटेरियल है ये हम लोग खुद बनाते हैं हाथ से. ओके. ये दो कॉटन कपड़ा, इमली का बीज का पेस्ट, चौक का पाउडर से मटेरियल बनाया जाता है. और ये कंदर्प घोड़ा का डिजाइन है. किसका? कंदर्प घोड़ा. तो मतलब ये इसको सड़ानारी भी बोलते हैं. श्री कृष्ण जी के टॉपिक नीचे ये सब गोपिया ने ये घोड़ा बनाया, बराबर? हाँ हाँ, राइट. और इसका और एक डिजाइन भी ये है, ये कंदर्प नौका है, जो कि गोपियां मिलकर नौका का मतलब एक बोट की शेप बनाए हैं. हाँ जी, हाँ जी. कृष्ण भगवान इसमें बैठे हैं. ये कितने साल से कर रहे हैं आप? ये मैं जब छोटा था उस टाइम से भी कर रहा हूँ, मगर वर्कशॉप जो ओपन हुआ है 2009 से इधर ओपन हुआ है. तो ये आपको किसने सिखाई? आपके पीढ़ी जाता था ये सब या आपने खुद से सिखाई? नहीं, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी. और आपके स्टूडेंट लोगों ने भी कुछ तो बनाया था, आपने दिखाया था मुझे. स्टूडेंट लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं हमसे, तो स्टूडेंट लोग भी कुछ बनाते हैं, तो उनका जो काम होता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये भगवान जगन्नाथ का ये बना है पेंटिंग. ये मटेरियल भी मतलब उनके लिए बनाए थे हमने. ये थोड़ा रफ है, तो उनका काम जो है थोड़ा मतलब अभी तो सीख रहे, तो धीरे 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 हो जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा उनको भी. हाँ जी, ये नेक्स्ट क्या है? ये जो है ये सिल्क पेंटिंग है, टसर सिल्क के ऊपर पेंटिंग. पूरा खोलिए जरा उसको. ये तो शायद इससे निकल रहे भगवान श्री कृष्ण. हाँ, मथुरा से ये कर रहे हैं, गोप से मथुरा. मथुरा विजय इसका टॉपिक का नाम है, मथुरा विजय. कंस मामा को उन्होंने ये किया था उसके बाद का? नहीं, उसके पहले कंस मामा के घर जो धन यात्रा देखने के लिए जाते हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो उसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इनके आगे सारथी जो होते हैं वो अक्रूर होते हैं. ओके. और इनको रोकने के लिए गोपियां पीछे भाग रही है, मतलब गोपियां और गोपाल भी पीछे भागते हैं रोकने के लिए. 20 inches into 60 inches का काम है. परफेक्ट. तो ये क्या कपड़ा है मतलब? हाँ, टसर सिल्क, वाइट सिल्क के ऊपर ये बनाते हैं. इसके बाद जो होता है, ये जो पहले वाला पटचित्र में दिखाया था उसका बड़ा स्टोरीज डिजाइन का जो टॉपिक रहता है. हाँ, तो ये स्टोरी पूरा. हाँ, ये कृष्णा स्टोरी का टॉपिक है, 4 feet में 2.5 feet का है. इसमें कृष्णा स्टोरी के साथ साथ दशावतार भी हैं. और ये ब्लैक एंड व्हाइट के साथ थोड़ा गोल्डन कलर हमने दिया है इसमें. तो ये मटेरियल क्या होता है इसका, पेंटिंग का मटेरियल क्या होता है वैसे? पेंटिंग का मटेरियल है कॉटन कैनवास के ऊपर स्टोन कलर से पेंट किया जाता है. ओके ओके. इसके अलावा ये जो चीज है इसको क्या बोला जाता है? ये रामायण का दिखाई, रामायण का आपने दिखाया था मुझे. ये तालपत्र है ना? हाँ. ये पाम लीफ कार्विंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में ताल, उड़िया में तालपत्र खोदे ही बोलते हैं. तालपत्र के ऊपर हम लोग जो है कार्विंग करते हैं. तो ये अभी रामायण का है ना? हाँ, ये रामायण का है. इसमें रामायण का स्टोरी जो है इधर से स्टार्ट हुआ है. तो ये चारों भाई है? हाँ, ये चारों घूम, ये इधर से स्टार्ट हुआ है. अग्नि से जो मतलब चारवर्ण निकला था उसको खाने के बाद चारों का जन्म होता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. इसके बाद जो है ये विद्या शिक्षा होता है. इसके बाद ताड़ काका, बद्ध वगैरह सब कुछ ऐसे ऐसे घूमता हुआ ये इधर रावण के वध के साथ एंड होता है. तो ये मतलब ऐसा ऐसा पढ़ने का है? ऐसा? हाँ. ऐसे जाके ऐसे घूम के इसके बाद ऐसे.
और ये तो शायद ये मेन मेन टॉपिक्स जैसे कि गंधमार्दन लेते लेके आते हुए हनुमान जी और लक्ष्मण जी का शक्ति भेद है, ये बीच में रामाभिषेक है। ओके, राज्याभिषेक। हाँ, और नीचे जो है नाग सर्पण जो नागबंध है ना, नागबंधन किए गए थे नागफास लक्ष्मण जी को। में राम लक्ष्मण दोनों को, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। हमारा शक्ति भेद लक्ष्मण जी का होता तो हुआ था, अगर नागफास में इनको बंधन किया था राम लक्ष्मण को मेघनाद हाँ, ने, तो गरुड़ जी आके इनको उसको उनको छुड़ाए थे। हाँ, छुड़ाए थे और अमृत भी लाए थे। हाँ, संजीवनी विद्या का प्रयोग सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए किया गया था। संजीवनी। ओके। इसके अलावा 64 योगिनी माता का भी डिजाइन है जो कि हम बनाते हैं इधर, तो ये है 64 योगिनी के ऊपर, क्योंकि वो इस गांव के भी मेन डेटी हैं, और 64 योगिनी माताओं का पुराणों में भी बहुत सारा वर्णन किया गया है ये सब इसलिए। आपने खुद ने बनाया है, हाँ, खुद तो से एक पीस बनाने में कितना टाइम लगता है जनरली? ये मिनिमम 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 20 दिन ऐसे लगता है। इसके अलावा इसका बड़ा साइज बना लेते हैं तो 3 से 4 महीना लग जाता है। नहीं हाँ, तो ये आप अकेले करते हैं, आपको कोई इनके लिए नहीं ये मदद होता मेरा है? मिसेस और कुछ स्टूडेंट्स लोग बनाते हैं, हाँ मतलब हाँ जो मतलब इस टाइप का सिंगल पीसेस रहता है, हाँ हाँ तो इसमें सिंगल आदमी ही काम करता है, मतलब मैं अगर करता हूँ तो मैं करूँगा, आपको ही करना पड़ेगा वो। मिसेस करेगा तो मिसेस करेगा, तो दूसरा कोई नहीं हाथ बटा तो सकता। पूरे महीने में आप ऐसा कितने पीस बना लेते हो इन सब चीजों का? मैं इसमें तो इस अगर हम लोग इस टाइप का एक काम में हाथ लगाते हैं हाँ, तो ये जो एक ही काम निकालने में हम लोगों को 1 महीने से 1.5 महीना टाइम लगता है। तो ये पूरा वाटर प्रूफ है, हाँ, वासे बोला है, वॉशेबल है? वासे बोला है। और ये है दशम महाविद्या का, ये हमारे छोटे से डिजाइन है, ये दशावतार का एक स्पेशल डिजाइन है, एक सेकेंड, एक मत्स्य अवतार, मत्स्य ये इधर से ऐसे मत्स्य कूर्म मस बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्धा कल्कि, और बीच में राधा कृष्ण का रास। ये मिनिमम 7 to 8 days लग जाता है फिनिश करने में। एक बनाने के लिए एकदम शार्प कर रहे हैं यार। हाँ ये भी तालपत्ता है हाँ क्या? ये तालपत्ते में हम लोग कपड़ा पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेशल पीसेस में हम लोग कपड़ा पेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये डिजाइन देख सकते हैं, ये डिजाइन ही टाइम जाता है हमारा। और ये सब क्या नारियल के ऊपर बनाए गए? हाँ, ये नारियल कोकोनट सेल के ऊपर है, ये जगन्नाथ जी बलभद्र सुभद्रा मैया, ये ट्राइबल आर्ट है, ये सुपारी के ऊपर भी बनाया गया है ओके, ट्राइबल आर्ट, ये सुपर ही है क्या? हाँ, ये जगन्नाथ जी बलभद्र सुभद्रा मैया का। और इसके अलावा ये जो है ये लकड़ी में जगन्नाथ जी का बनाया तो ये जाता नीम है, का लकड़ी है क्या? नहीं नीम का वो है, नहीं, क्योंकि पूरी के क्योंकि जगन्नाथ तो नीम। दूसरे लकड़ी का, क्योंकि लोग आजकल जो है 100 पीस के हिसाब से लेके रख देते हैं वो पेपर मैशे है, क्योंकि नीम का जो लकड़ी होता है वो पूजा किया जाता है, इनका चतुर्धा मूर्ति भी माना जाता है, तो 100 पीस के हिसाब से रखते हैं, तो इसके लिए नीम का लकड़ी हम लोग यूज करते हैं। ओ, तो जो अगर मेन पूजनीय डिटी बनना होगा तो ही फिर ये नीम देखिए का यूज करेंगे ये आप। है नीम का है, ये इसका वजन देखिए, इसका वजन पहचान सकेंगे आप, क्योंकि ये नीम का